और चलिए अब बात करते हैं बारिश के बाद उस तपिश की जिससे एक एक पल किसी तपस्या से कम बिल्कुल नहीं। चलिए आपको लेकर चलते हैं जैसलमेर, जहां पर तपती रेत और चिलचिलाती गर्मी के बीच में हमारे बीएसएफ के जवान राष्ट्र रक्षा का वचन निभा रहे हैं। इस मोर्चे पर मौसम एक बड़ी चुनौती है, जहां पर डटे हुए जवान दिन रात जूझते रहते हैं। आप भी देखिए कि 48 डिग्री तापमान में टेम्परेचर में राष्ट्र रक्षा के संकल्प की ये तस्वीरें क्या कहती हैं। ये तस्वीरें हैं जैसलमेर से सटी भारत पाकिस्तान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। यहाँ भरी दोपहरी में चिलचिलाती गर्मी में जब सूरज आसमान से शोले बरसा रहा है और तापमान 47-48 डिग्री के पार जा रहा है, तब भी बीएसएफ के जवान सरहद की सुरक्षा के लिए लगातार ड्यूटी पर तैनात हैं। रेगिस्तान की इस तपती हुई धरती में किसी आम आदमी के लिए पल भर खड़ा होना मुश्किल हो सकता है, लेकिन बीएसएफ के इन जवानों के फौलादी हौसले मौसम की मार की परवाह नहीं करते। कुछ जवान पैदल तो कुछ रेगिस्तान के जहाज यानी ऊंट पर सवार होकर सरहदी इलाकों में लगातार गश्त कर रहे हैं, पहरा दे रहे हैं। और तो और इनमें महिलाएं भी शामिल हैं, जो पूरे जोश और उत्साह के साथ अपना काम कर रही हैं। गर्मी और गर्म रेतीले अंधड़ से बचने के लिए आंखों पर गॉगल्स, सिर पर टोपी और चेहरे पर मास्क या कपड़ा या पटका बांधे ये सिपाही देश की रक्षा के लिए हर पल सतर्क और सजग हैं। गर्मी की तपिश इनके हौसलों को डिगा नहीं पा रही। जैसलमेर के सरहदी इलाकों में तैनात इन जवानों को सुबह से शाम तक गर्म रेतीले बवंडर की तपिश का सामना करना पड़ता है। दूर दूर तक कोई पखेरू भी यहां नजर नहीं आता, लेकिन दुश्मनों के नापाक इरादों को नाकाम करने के लिए इन जवानों का यहां पर लगातार बने रहना जरूरी है। लू और हीट स्ट्रोक का खतरा तो झेलना पड़ता है, लेकिन ऐसी स्थिति में गर्मी से बचाव के लिए एहतियात बरतते हुए ये जवान देश सेवा का अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। राहत और तरावट के लिए इन जवानों को ड्यूटी के दरमियान नींबू पानी मुहैया कराया जाता है। जहां तहां पानी के टैंक भी रखे गए हैं ताकि कुछ तो परेशानी कम हो, लेकिन हकीकत यह है कि ये स्थिति सिर्फ इस बार की नहीं है। हर साल गर्मियों के दौरान ऐसे ही हालात दिखते हैं और इस सरहदी इलाके में तैनात जवान घात लगाकर घुसपैठ की कोशिश में जुटे दुश्मनों के साथ साथ मौसम के प्रहार से भी दो दो हाथ करते हैं और अपनी ड्यूटी और देश सेवा की अनूठी मिसाल पेश करते हैं। विमल भाटिया, जैसलमेर, गुड न्यूज।